नीलगंगा बढ़ाव स्थल पर शैव संप्रदाय के सभी 7 अखाड़ों के लिए जमीन तय की जा सकती है। अभा अखाड़ा परिषद इस जमीन को संरक्षित करने के साथ साथ जमीन पर हो रहे अतिक्रमण और इलाहाबाद कुंभ को लेकर कई प्रस्ताव बैठक में रखे गए। सिंहस्थ में इस स्थान से ही अधिकतर अखाड़ों की पेशवाई निकलती है, लेकिन इस खाली जमीन पर लगातार हो रहे अतिक्रमण और बढ़ती बसाहट से साधु संत चिंतित है। वे चाहते हैं कि जमीन का संरक्षण किया जाए ताकि सिंहस्थ में यहां से पेशवाई निकालने में जमीन की कमी महसूस न हो। उज्जैन में आज एक बार फिर सिंहस्थ मेले का नजारा देखने को मिला। बड़ी संख्या में साधु संत बैठक में शामिल हुए। उज्जैन में अखाड़ा परिषद का पहला कार्यालय खुला। सिंहस्थ 2016 में भी नीलगंगा पड़ाव स्थल पर से अखाड़ों की पेशवाई निकाली गई थी। ये स्थान सिंहस्थ क्षेत्र के नजदीक है तथा शहर के बीच भी है। सिंहस्थ 2016 के पहले इस स्थान को विकसित करने पर राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। तालाब का जीर्णोद्धार करने के साथ मंदिरों व घाट का विकास कराया था। यहाँ भव्य प्रवेश द्वार तथा सौंदर्यकरण भी किया गया। इसी के एक किनारे पर जूना अखाड़े की निजी जमीन पर अखाड़े की इमारत का निर्माण भी हो रहा है। इसलिए अब अखाड़ा परिषद इस जमीन की सुरक्षा के लिए बैठक में प्रस्ताव लेकर आई है। अभा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरिराज महाराज का कहना है कि यहाँ शैव संप्रदाय के सभी 7 अखाड़ों को जमीन दी जा सकती है ताकि वे यहाँ अपना स्थान बना सके। इससे जमीन की सुरक्षा भी होगी, अतिक्रमण नहीं होगा। साथ ही इलाहाबाद कुंभ में स्नान सहित अन्य मामलों पर भी बैठक में चर्चा हुई। पहली बात यह है, साधु संत हमेशा से शांति के प्रतीक थे, शांति के प्रतीक हैं और शांति के प्रतीक रहेंगे। हम ये चाहेंगे यहाँ की सरकार, यहाँ के शासन प्रशासन वो चाहता है सिंहस्थ नहीं कराना तो हम लोग नहीं करेंगे। ज्ञात हो किसी काल में उज्जैन का मेला बंद हो गया था, ज्ञात रहे, इतिहास इसका साक्ष्य है। इसी प्रकार से सरकार का जो व्यवस्थाएं हैं, चिंतन है, सोच है, हम खुद भी कुंभ मेले के पहले यहाँ नीलगंगा पे आना उचित नहीं समझा था। मैंने यहाँ से किनारे कर लिया था कि बड़नगर रोड पे जूना अखाड़े की अखाड़ा पड़ाव करेगा और वहीं पर अपनी पेशवाई निकालेगा। मगर कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि नीलगंगा का इतिहास लुप्त नहीं होने दिया जाएगा। हमारा कहना था कि पहले मेरी तमाम हजारों बुग्गी गाड़ियां ऊंट हाथी आदि आती थी और ये सिंहस्थ आरक्षित भूमि है। क्या है? सिंहस्थ आरक्षित। आरक्षित का अर्थ है कि सरकार का देखभाल करना, अतिक्रमण रोकना, उसको किस तरह बचाए ये उसके कर्ज फर्ज में आता था। आज एक कंडीशन हो चुकी है, चिंतन का विषय है कि जिस प्रकार का आज की 80 कंडीशन में देखा, इसका आज कंडीशन 60 कंडीशन, आज इसके प्रति मेरा ये चिंतन बढ़ गया कि सरकार या तो कहेगी कि हमें नहीं, तो हम लोग आपस में मीटिंग करके इलाहाबाद कुंभ मेले में निर्णय ले लेंगे कि सरकार वहाँ की उदासीन रवैया है, नहीं चाहती है, तो हम लोग अपना संकल्प विकल्प छोड़ देंगे। क्यों बाहर से लाकर पैसा भी लगाएंगे, क्यों बाहर से लाके 10-5 करोड़ लगाते हैं, मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं। जब सरकार की इच्छा होगी तो हम लोग जरूर करेंगे। सरकार का आकर्षण कराने के लिए, अतिक्रमण रोकने के लिए एक हमारी पहल है कि सरकार तक मेरी आवाज जाए कि हम लोग उदास हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। किससे? अतिक्रमण से। इतनी है कि सरकार का काम है जहां भी बना हुआ है, जहां भी निर्माण बने हुए हैं, उनको ट्रांसफर करे, उनको जमीन दे, जिसके मकान उनको मकान दे। आज सुबह कमिश्नर साहब से भी हमने वार्तालाप किया कि आप उन्हें मतलब जो है सेफ्टिंग करें, ट्रांसफर करें, आप उन्हें अच्छा दें। जिसका मकान है 2 रुपये का, उसको 4 रुपया दें, वो खुश होकर अच्छी कॉलोनी में, अच्छे वातावरण में उसको हम लोग ट्रांसफर किया जा। किसी को उजाड़ने का प्लान नहीं है, पर अपने इतिहास को, अपनी जगह को बचाने का सबको कर्ज फर्ज में होता है। आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक हुई, जयराव अखाड़े उपस्थित हुए। निर्णय ये हुआ है कि जहां हम आप बैठे नीलगंगा में, यहां पे पेशवाई स्थल है, अतिक्रमण हो रहा धीरे धीरे, भरे मेला हमारा 2028 में है, लेकिन अभी से हमने माननीय मंडलायुक्त को कह भी दिया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ जमीन खाली करके बाउंड्री की जाएगी। आज यहाँ पे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का एक कार्यालय खोल दिया गया है जिससे लोग कब्जा न करें।
ये निर्णय हो गया है। दूसरा, जिन अखाड़ों के कुंभ मेले में थोड़े बहुत स्थानीय कार्य बाकी रह गए थे, माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि मंच पे कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो आज प्रस्ताव करके उनको भेजा जा रहा है जिन जिन अखाड़ों काम अधूरे उनको पूरे किए जाए। हाँ, उसी से मैं आज हमारे जो मंडल जो थे कमिश्नर साहब, उनसे कहा कि आप अगर इस तरह से निर्माण करते रहेंगे तो इसका मेला नहीं होगा आपके यहाँ पे, तो निर्माण कार्य आप बंद कराइए। दूसरा, जिस तरह से प्रयाग में एक बनाया गया है कि प्रयाग मेला समिति, इस तरह से आप यहाँ मेला समिति बनाइए, भले उसके अध्यक्ष कमिश्नर रहे, उसके ऊपर एक उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बनाई है निगरानी कमेटी। निगरानी कमेटी में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो अध्यक्ष रहेंगे, महामंत्री रहेंगे, हर अखाड़े के मेंबर रहेंगे। देखिए, हम लोग सदा इसके पक्ष में हैं कि छिपरा का पानी हमेशा अविरल बहता रहे, शुद्ध बहता रहे, लेकिन अभी गंगा जी अभी छिपरा की आचमनी करके हम लोग आए हैं, बड़ा दुख हुआ है कि सरकार अपने विश्वास पर खड़ी नहीं उतरी है। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, सुबह हमने नोट भी करा दिया है हम लोगों ने, और बारिश से शाम तक बात जा रहा हूँ, उनका गला बता रहे खराब है, बात हो जाएगी। और रह गई बात यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात, उसकी भी चर्चा हुई है, इलाहाबाद कुंभ की चर्चा हुई है, इलाहाबाद क्योंकि आने वाला 2019 कुंभ मेला है, उसके लिए भी चर्चा हुई है। और बैठक में सभी लोग थे उपस्थित, मुख्य बात हमारी यही थी कि जो आपने कहा कि उज्जैन में कुंभ मेला संभव हो जाएगा अगर निर्माण कार्य से होता रहेगा, तो निर्माण कार्य में प्रतिबंध होना चाहिए। हम एक बात और कहते हैं कि ठीक है, किसान वहाँ हमारे खेती करते हैं, अगर आप निर्माण सार्वजनिक कर देंगे तो निर्माण थोड़े थोड़े जाएंगे, किसानों को तो मान लो आप अतिक्रमण कर लेते हैं जमीन, तो जिसके मकान बन गए हैं वो कैसे करेंगे, तो उसको नहीं होना चाहिए, मकान नहीं बनाना चाहिए। एक बात मैं और कहूँगा, जब भी कुंभ मेला लगे सिंहस्थ 2028 में, किसानों को उनके दो तूर का पैसा दिया जाए, उनका बड़ा नुकसान होता है। मैं कई बार पहले भी कहा था, इस बार फिर कह रहा हूँ कि जब कभी अधिग्रहण करें आप तो दो तूर पैसा दें, बेचारे गेहूं के बाद कपास दो नहीं बो पाते, क्योंकि मेला खत्म होने के बाद उनको दो तीन महीना लगता है वहाँ जमीन खेत करने में, तो इसके लिए चर्चा हुई, इसकी भी बात हुई है कि इसको होना चाहिए।